हे वेलकम बैक, स्वागत है आपका इस चैनल में जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, हम बात करते हैं बिजनेस के ऊपर, हम बात करते हैं सोलोप्रेनर्स के ऊपर, हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो आज का केस स्टडी है बिजनेस में मोनोपोली किस तरह से क्रिएट करिए, क्योंकि अगर आप मोनोपोली क्रिएट नहीं करोगे तो सेम बिजनेस बगल बगल में खुल जाता है। जैसे किसी का कचौड़ी चल जाता है तो आसपास में 5-7 कचौड़ी वाला एक साथ आ जाता है, किसी का गोलगप्पा चल जाता है तो 5-7 गोलगप्पे वाले एक साथ आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसका ट्रैफिक घट जाता है। तो इसी के लिए बिजनेस मोनोपोली किया जाता है, यानी कि बिजनेस को सीक्रेट किया जाता है। बहुत सारा तरीका है जिससे आपका कोई कॉपीकैट की तरफ, उस आपका बिजनेस कोई कॉपी ना कर सके। उसका पहला तरीका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि 1891 से, यानी 1891 से जो कोका कोला का जो ट्रेड सीक्रेट है वो कोई नहीं जानता है। वो जो सिरप बनाता है उसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता किस तरह से उसका सिरप बनता है। और जो जानते भी है जो कुछ लोग, वो कौन से लोग हैं उसके बारे में भी कोई नहीं जानता है। और उसी तरह से कोलोनल सैंडर जो कि केएफसी के फाउंडर है, उसका भी जो ट्रेड सीक्रेट है कोई नहीं जानता है। तो बिजनेस में अगर ट्रेड सीक्रेट हो तो मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। ये भी एक मोनोपोली क्रिएट करने का बेहतर तरीका है, जिससे कि आपका कोई कॉपीकैट की तरह कॉपी न कर सके आपका बिजनेस। दूसरा तरीका है पेटेंट एंड लाइसेंसिंग। ये जो है पेटेंट एंड लाइसेंसिंग, ये ज्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनीज में किया जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी दो तरह के तरीके से मेडिसिन बनाते हैं, एक जेनरिक और एक मॉलिक्यूल्स। तो जेनरिक तो सब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन इसमें जो है मॉलिक्यूल्स जो है, जिसमें R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो बनाती है अपने मॉलिक्यूल्स को, तो उसमें वो पेटेंट एंड लाइसेंसिंग करवा देते हैं, जिससे वो जितना दाम चाहे उतना दाम में वो अपने प्रोडक्ट को बेचती है। तो पेटेंट एंड लाइसेंसिंग भी आप करवा सकते हो अपने प्रोडक्ट को, ताकि आपका कोई टेक्नोलॉजी, ताकि आपका कोई बिजनेस को कॉपी ना कर सके। तीसरा तरीका था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में बात करें तो नोकिया, सैमसंग, ये जो पहले नोकिया और सैमसंग जो करते थे, अपने रिटेलर को बहुत कम मार्जिन देते थे, और जिसके कारण से रिटेलर बहुत परेशान रहते थे। उसके बाद आया ओप्पो और वीवो। ओप्पो और वीवो ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को स्ट्रांग किया। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को स्ट्रांग करोगे तब भी आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। जैसे कि ओप्पो और वीवो ने किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को इतना मार्जिन दिया कि हर एक आज के रिटेलर आपको ओप्पो वीवो के बारे में बताएंगे, ये ले लो, ओप्पो ले लो, वीवो ले लो, इस तरह से कर लो। और दूसरा आता है फिर उसके बाद, ये डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को आप स्ट्रॉन्ग करके अच्छा क्रिएट कर सकते हो। दूसरा आता है एक्सक्लूसिव राइट। आप एक्सक्लूसिव राइट ले सकते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट क्या करता है, वो एक्सक्लूसिव सेल ले लेता है, यानी कि रेडमी का नया मोबाइल आया तो क्या क्या एक्सक्लूसिव सेल लिया। एक्सक्लूसिव सेल से क्या होता है कि रिटेलर भी इससे परेशान रहते हैं, एक्सक्लूसिव सेल ले लिया तो उससे क्या हुआ, सिर्फ वहीं पे वो सामान अवेलेबल होगा। आप इस तरह से एक्सक्लूसिव सेल के द्वारा भी अपने बिजनेस को यूनिक तरीके से कर सकते हो, और वो बिजनेस भी आपका कोई कॉपी नहीं कर सकता है। और भी बहुत सारा तरीका है, जैसे कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप इतना प्रोडक्ट बल्क में हायर कर लो, इतना प्रोडक्ट ज्यादा कहीं से आप खरीद लो, उसके बाद आप जो कम प्राइस में भी बेचोगे तो आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसलिए क्या है, ये भी एक बिजनेस का अलग तरीके से तरीका हुआ, जिससे आपका कोई बिजनेस को कॉपी नहीं कर सकता। आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो कि आपका कोई बिजनेस कॉपी नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे कि जियो क्या किया, इतना 2.5 लाख करोड़ का जो है एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दिया, और ये उसका एक यूनिक स्ट्रेंथ था उसके बिजनेस का। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ बिग बिजनेसमैन ही कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इन बिल गेट्स जो है उसका 90% मार्केट शेयर है, और 90% जो है उसका मार्जिन रहता है उसके किसी प्रोडक्ट में। आप देखोगे बिल गेट्स के बिजनेस को, जो माइक्रोसॉफ्ट का बिजनेस है, उसमें उसका 90% मार्जिन रहता है। 90% मार्जिन के कारण से वो भी एक यूनिक तरीका है, उनका मार्जिन का कोई कॉपी नहीं कर सकता है। इतना प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, यानी कि उसको आप कॉपी करके आप नहीं कर सकते हो। उसके अलावा आता है एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस, यानी कि एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस में आप देखते हो डोमिनोज को, वो 30 मिनट के अंदर डिलीवरी प्रोवाइड कर देता है, यानी 30 मिनट के अंदर। ये भी एक यूनिक बिजनेस है। आप बहुत सारे जो बिजनेस इस तरह से, पिज्जा हट और भी बहुत सारे जो है पिज्जा प्रोवाइड करने वाले, वो 30 मिनट में डिलीवरी नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं। ये भी एक बिजनेस का एक अलग मेथड है, तरीका है। आता है ब्रांड इक्विटी, यानी कि ब्रांड इक्विटी में क्या है, जैसे नमक मतलब टाटा नमक, यानी कि नूडल्स मतलब मैगी। इससे क्या होता है, ये ब्रांड इक्विटी डेवलप हो जाता है, यानी कि इसका उसके नूडल्स मतलब मैगी, ये एक ब्रांड इक्विटी डेवलप हो जाता है। उसी तरह से लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, उसी तरह से आता है लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, यानी कि इसी तरह से जैसे हमदर्द का जो प्रोडक्ट है वो हैदराबाद के इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं उसको, यानी कि हैदराबाद में हमदर्द बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे एक बार बैद्यनाथ भी आए। आप अपने बिजनेस में कर सकते हो मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, और जिससे आपका कोई बिजनेस को कॉपी नहीं कर सकता है।
फिलहाल आज के लिए इतना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपका कोई सलाह या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह हर रोज किसी न किसी केस स्टडी के ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।